व्यापारी के साथ हुई डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। दो आरोपी गिरफ्तार। बहराइच। 1 जनवरी को कोतवाली देहात क्षेत्र के व्यापारी आलोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी शिवनगर ने थाने पर सूचना दिया है कि समय 7:45 बजे रात्रि में मेरी दुकान जेपी फुट्स पर दो आदमी अंदर आए और उनके पीछे 3 लोग और आए। उन लोगों के द्वारा मुझे व मेरी दुकान पर काम करने वाले कर्मी अमित पुत्र पवन कुमार पर असलाह लहराते हुए मेरे कनपट्टी पर कटा सटा कर मुझे बांध दिया और मेरे लड़के दीपक को ऊपर छत से नीचे लाकर उसका भी एक हाथ बांध दिए और पैसे की मांग करने लगे। इसी बीच मेरे मित्र के भाई व भतीजे आकर दरवाजा पीटने लगे और आवाज देकर बुलाने लगे। शोर सुनकर लुटेरों द्वारा 6,000 रुपया लूटकर अपनी मारुति कार से भागे। व्यापारी की तहरीर पर कोतवाली देहात पुलिस ने मुआसन 0002 धारा 395 दर्ज कर सूचना उच्चाधिकारियों को दी। उच्चाधिकारियों ने तत्काल मौके का निरीक्षण कर घटना के खुलासे के लिए एसओजी सर्विलांस सेल और पुलिस की टीमें लगा दी थी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सतेंद्र बहादुर सिंह एसओजी और सर्विलांस सेल ने घटना में शामिल आरोपी नदीम अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद ने छोटी बाजार छोटी तकिया थाना कोत शून्य नगर बहराइच व रजी पुत्र आयुब उर्फ मल्लू निवासी मोहल्ला चांदपुरा आमिर माह मस्जिद की पीछे थाना को शून्य नगर बहराइच को त्रिमोहानी घाट से गिरफ्तार कर लिया। जनरल एक्सप्रेस। 1 तारीख को आलोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जो शून्य नगर तिराहा के रहने वाले हैं के गल्ले की दुकान पे 5 बदमाश अंदर घुसे थे। तमंचे के नोक पर अपने कब्जे में लेकर के उनसे पैसे की डिमांड उन्होंने किया था और क्योंकि संडे का दिन था तो उनके पास पैसा नहीं था तो उनकी जेब में जो 6,000 रुपये थे उसको लेकर के भाग गए थे। इस पूरे घटनाक्रम का आज खुलासा हुआ है और इसमें 2 बदमाश नदीम अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी छोटी बाजार जो कोतवाली नगर का रहने वाला है, रजी उर्फ अयूब उर्फ मल्लू निवासी मोहल्ला चांदपुरा अमीर माह जो मस्जिद है उसके पीछे रहता है, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों के पास से 2 तमंचे बरामद हुए, 1 315 बोर का तमंचा और 1 312 बोर का तमंचा है, जिसके साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। घटना में प्रयुक्त जो गार थी वो पहले ही बदमाश छोड़ के थे, उसकी फोटो को दिखाया गया तो इन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ उस कार का प्रयोग उन्होंने घटना में किया था और इसके साथ ही साथ घटना में जो लूटा गया 2,060 रुपये है उसकी भी बरामदगी हुई है और इनके साथ 3 अन्य बदमाश जो घटना में शामिल थे उनका नाम पता चल चुका है हम लोगों को, उनकी तलाश के लिए हमारी टीमें लगी हुई है। उनकी गिरफ्तारी की जाए। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।